पंकज सर को साथ ले लेता हूँ। नमस्कार हाँ, दोस्तों। एक 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 बच्चे का कोई प्रश्न है। नमस्ते सर, मेरा नाम अर्जुन है। मैंने फाइनल ईयर के साथ अपेयरिंग में दिया है एग्जाम आगे, तो मेरा 52 के लगभग बैठ रहा है नंबर। मुझे आगे मतलब मेरा मेंस दे पाऊंगी या फिर आगे इस टाइप का तैयारी होनी चाहिए? ऐसे ना, कट ऑफ के बारे में तो 10-15 दिन में वैसे भी पता लग जाए, लेकिन मेन की तैयारी तो करनी ही चाहिए, आगे भी करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन का जवाब दिया था कि मेंस तो नहीं पढ़ोगे तो मतलब ही नहीं निकलेगा, तो मेंस तो पढ़ना ही चाहिए। और फाइनल ईयर के साथ दिया, 52 है, ठीक है, और स्कोर तो कम है, लेकिन अलग अलग कट ऑफ जाएंगी तो उस कट ऑफ में देखते हैं। नहीं भी मौका मिलता है तो जो प्रोसीजर यहाँ हम शुरू करने वाले हैं उस प्रोसीजर का उपयोग करो, और चूंकि आगे तो एग्ज़ाम देना ही है ना, हाँ, तो उसका प्रोसीजर का उपयोग करो। तो ये है, आगे से वो तो कट ऑफ के बाद पता चलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर नए एक्ट के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, नए एक्ट में क्या क्या चेंजेस हैं वैसे? नए एक्ट के संबंध में मैं आपको बता दूं कि टोटल आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में 1 से 2% चेंज है, वही है, नंबर बदल दिए हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये एक्ट नहीं बदले जाने चाहिए थे। जो आप अमेंडमेंट करना चाहते थे वो अमेंडमेंट ही नहीं में कर देते, हमेशा से होते आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही मेरे अनुसार अपरिपक्वतापूर्ण निर्णय गवर्नमेंट का रहा जिन्होंने ये निर्णय किए। ना तो इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जैसे पुलिस को थोड़ी सी ज़्यादा पावर दे दी, जैसे 15 दिन की रिमांड थी, 15 दिन की रिमांड को बढ़ा दिया। और सबसे बुरी बात क्या है इन एक्ट्स की, जैसे 302, जो नहीं भी पढ़ा हुआ है वो भी जानता है उसको, कि 302 में हत्या के लिए दंड दिया हुआ है, उसको 103 में कर दिया, तो सबको अव्यवस्थित कर दिया। इससे क्या होगा, पेंडेंसी बढ़ेगी, लोग दोबारा समझ पाएंगे। करीब 25 से 30 लाख तो एडवोकेट है पूरे पूरे देश में, लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट के साथ जो अन्य जो लिटिगेंट्स हैं और वो लोग हैं, इसके अलावा हजारों की संख्या में जुडिशल ऑफिसर्स हैं, सब डिस्टर्ब कर दिया। इस डिस्टर्बेंस की कोई दिक्कत नहीं थी, यही अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट वो लाए हैं इन्हीं सेक्शंस में इंसर्ट किए जा सकते थे, और जिन सेक्शंस को हटाना चाहते थे हटा सकते थे। तो इसके कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं है। मैं अभी शाम को एविडेंस एक्ट पढ़ा रहा था, वही एविडेंस एक्ट वो है। अब जैसे जो सेक्शन 6 था वो 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह के सेक्शंस में चेंज। और मुझे तो 100% अपरिपक्व निर्णय लगता है, इससे कुछ होने वाला नहीं था। जिस तरह से ये तो मतलब गलत ही किया, पर इससे कोई विशेष प्रभाव कंपटीशन पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वही ट्रायल वही सब कुछ वही है, कुछ कुछ चेंज है, ज़्यादा अंतर है नहीं। आज से नए तीनों कानून लागू हो गए हैं, कहाँ पुलिस वाला, आज जितने भर देश भर में दंगे फसाद हुए होंगे, पुलिस वाले देखते फिर रहे होंगे कौन से सेक्शन को कौन सी FIR बनाऊं, कहाँ बनाऊं। न्यायालयों में भी आज उस रूप में क्या पुराने केसेस चलेंगे? अच्छा, ये भी नहीं है कि पुराने खत्म हो जाएंगे, अगले 10-15 साल तो पुराने केसेस चलते रहेंगे, तो पुराने भी पढ़ने पड़ेंगे। अननेसेसरी बर्डन, ऑलरेडी बर्डन बहुत सारा जुडिशरी पे था, अननेसेसरी बर्डन डालने की क्या आवश्यकता थी? वो जुडिशियल अफसर दोनों को देखेगा भाई, जो केस उससे चल रहा है वो तो चलेगा ना, तो उससे कोई विशेष असर नहीं। वो नए पढ़ाएंगे, नए में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और चूंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सब जानते हैं, उन्होंने कंपैरिजन के सेक्शंस के नंबर लिख दिए हैं आगे ही सारे बैरक्स में। तो अभी सर ऐसे के बारे में जो बीच में चर्चा चल रही थी उसके बारे में सर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों। राहे जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, मत पूछो दरिया से कि धीर कहाँ तक जाएगा।
बाध धनु की डोर को साध दिशाना मंजिल पर तेरा कर भी बताएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। एक ब्रेव फाइव वर्ड लाइक टू से आपका कर्म आपकी सबसे बड़ी चीज़ है। आरजेएस बनना है, एपीओ बनना है, वो आपका मकसद हो सकता है, लेकिन पहले आप अपने प्लस माइनस अपने आप को एक विजेता, जो कहते हैं विजेता डेवलप करो अपने अंदर। बुक हाथ में लेना वो संभाल का प्रोसीजर है, पहले जो अपने ड्राबैक्स है उसको रिमूव करो कि मेरे ड्राबैक्स क्या क्या है। आरजेएस बनना या एपीओ बनना दुनिया का सबसे ईजी वर्क है, आपका मेंटर आपका गुरु आपके सानिध्य में देना वेरी ईजी वर्क। लेकिन होता क्या है, हाथ में किताब लेने से कुछ नहीं होता है, पहले अपने आप को उस बोर्ड पे लेके आओगी यस मेरे ड्राबैक्स क्या क्या है। एक शेर होता है वो एक हिरण का पीछा करता है, वो एक टारगेट फिक्स कर लेता है, ये मेरा टारगेट है, उसके पड़ोस में हिरण होगा उसको अटैक नहीं करेगा, वो उसी हिरण को अटैक करेगा जो उसका टारगेट है। हिरण की जो स्पीड होती है वो होती है 90 किलोमीटर पर आवर, शेर की स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर कैसे वो कवर करता है अपनी विल पावर से, अपनी विल पावर से कवर करता है, उसी शिकार को हिट करता है जिसको वो निशाना बनाता है। वाई, क्योंकि उसने परवरिश की है। शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है, पालता नहीं है, पाला कुत्तों को जाता है। शेर अपने ज्ञान को अपने बच्चे की परवरिश करता है, तो देर इज वन ऑफ डिफरेंस बिटवीन परवरिश एंड पालना। बाज को उठा लीजिए आप, जब भी बारिश होती है भयंकर, बाज बादल से ऊपर उड़ता है, बादल को चैलेंज कर देता है। वाई, क्योंकि जिस लेवल पर अदर पक्षी अपनी उड़ान को खत्म करते हैं ना, उस वही से बाज अपनी उड़ान शुरू करता है। मतलब मेरा मतलब समझ में आ गया, ब्रीफ में कह रहा हूँ मैं। तो आपकी ट्रेडिंग पर सब कुछ डिपेंड है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जा सकता है, कोई जवाब दे सकता है मेरे को? वाय मेजर ध्यानचंद नोन एज द यू कैन से मैजिशियन ऑफ हॉकी। सिंपल सा फैक्ट, चांदनी रात में रेलवे ट्रैक पर मेजर ध्यानचंद प्रैक्टिस किया करते थे। सिंपल सा ट्रैक, ऐसे ही हॉकी के जादूगर नहीं कहलाए, बहुत पीछे डेडिकेशन था उनके। रेलवे ट्रैक चांदनी रात पर जो प्रैक्टिस करेगा हॉकी का जादूगर ही बनेगा। कौन सा चमत्कार हो गया, डेडिकेशन। ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने आउट किया सचिन को 2007 में, वो उसके उस रूम में गया और बोले फोटोग्राफ सर प्लीज, उसने क्या लिखा आपको पता है, कि ये दिन तेरी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। और 32 मैच हुए, 32 मैच बिटवीन सचिन एंड दैट बॉलर, सचिन को वो आउट नहीं कर पाया। वाई, डेडिकेशन ऑफ सचिन। सचिन ने उसको समझा, वो बीयर पीने नहीं गया, वो मस्ती करने नहीं गया, उसने देखा कि क्या कहानी है इसके पीछे, ये क्या इसका बोल का पेश किया कि मुझे आउट कर गया। और इसी सचिन आज किसे कहते थे कि जादूगर है क्रिकेट का। तो ऐसे ही विजेता नहीं बना जाता, विजेता बनने के लिए अपने आप को डेडिकेशन समर्पण करना पड़ता है। एक इंसान कहता है सुई पानी में डूब जाती है, वो भी सही था, एक ने जहाज को तैरा दिया वो भी सही था। आपको एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मेरी बात को ध्यान रखना, पेनफुल प्रोसेस। जैसे एक माँ जन्म देती है ना बच्चे को, साइंस को भी वो चैलेंज कर देती है, साइंस को वो इतना डेसिबल पेन पेन करती है जो साइंस कहता है एक इंसान तो इतना एंड्योर ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे निर्माण करना है, सृजन करना है सृष्टि का, तो वो दर्द वो एंड्योर कर जाती है। तो आपको एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तपस्या जिसको कहते हैं। यदि आप उस तपस्या से गुजर गए, ये तो एग्जाम बहुत ईजी है। दशरथ मान जी ने तो एक क्या बोलते हैं हथौड़ी और छेड़ी से एक पहाड़ को तोड़ दिया था, हथौड़ी और छेड़ी से पहाड़ को तोड़ना असंभव, उसको भी संभव कर दिखाया। अरुणिमा सिन्हा एम्प्यूटी है, एवरेस्ट को फतेह कर दिखाया, आपको तो एक पेपर को फतेह करना है। लेकिन 80% स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट हैव लैक ऑफ डेडिकेशन, लैक ऑफ डेडिकेशन। और जिनमें डेडिकेशन है वो तो इतिहास रच ही जाते हैं ना। आईपीएस ऑफिसर साजी जसन एक्सीडेंट हो गया फिर भी यूपीएससी लिख रहा है बैठा बैठा, 22 साल का था, यंगेस्ट ऑफिसर बन गया। रिकॉर्ड लिखने वाले ऐसे नहीं होते, रिकॉर्ड लिखने वाले लोग पागल होते हैं, कहते हैं पागल इंसान जुनूनी इंसान पागल इंसान इतिहास लिखता है, बुद्धिमान लोग तो उसको पढ़ते हैं। इधर एक्सीडेंट हो गया पूरी बॉडी क्रैक है, उधर यूपीएससी लिख रहा है बंदा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट यूपीएससी का इंटरव्यू फाइट कर रहा है अंग्रेजी में। वाह, क्या था इसके पीछे, जस्ट डेडिकेशन। अरे ऐसे लिखना या लोगों को पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, आप अपने गुरु को बेंटर करें। चाणक्य को कहा, चाणक्य ने एक दिन चंद्रगुप्त को बोला कि इस पेड़ के जितने पत्ते गिरे ना तुझे हथेली में लेने हैं। वो गुरु का शिष्य था, वो झूठ भी हो सकता था, उसने तो पत्ते ले जाके दे दिए गुरु जी। एक दिन वो युद्ध कर रहा था तब उसे याद आया कि मेरी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए गुरु जी ने ऐसा कार्यक्रम रचा था। तो आपका मेंटर जो एक्सपीरियंस है उसका अनुभव आप अपनी जिंदगी में उतार लो, यू आर सक्सेसफुल पर्सन। सिंपल सा रूल है। विजेता बनने के लिए अपने आप को अलग सांचे में डालना पड़ता है माइंड में, यहाँ पर विजेता होता है। कोई बैरिकेड क्या, इंग्लिश क्या, हिंदी क्या, लोग कुछ नहीं है ये बैरिकेड, ये तो बहुत सिंपल बैरिकेड है। लोग तो अपने आप में जो एप्यूटी है या
नहीं होते कैपेबल, वो चैलेंज कर जाते हैं दुनिया को, तो आप तो कैपेबल है, कैपेसिटी आप लोगों में, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग। रैंक बनाने के बारे में सोचिए ना, सिलेक्शन के बारे में क्यों सोचते हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये पिछले बेकार है। 23 तारीख को पेपर हुआ, उसके अगले घंटे से तैयारी शुरू, बस मैटर इज ओवर। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों का ली गई नॉलेज एक लोग ग्रेजुएट के लिए, कहीं ना कहीं तो इतिहास रचेगी रचेगी। मैं काफ़ी सुन रहा हूँ मार्केट में कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ में सिलेक्शन हो गई फिर 3 बार लोगे आप, मुझे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है ये, कट ऑफ कितनी जाएगी, जैसे सिलेक्शन यहीं पर हो गया, कट ऑफ हो गया फिर जीत लेना आगे, अभी तो बेस बाकी है, अभी तो इंटरव्यू बाकी है, सब ये कट ऑफ कितनी जाएगी, जैसे कट ऑफ में सिलेक्ट होते ही सिलेक्ट हो गए आगे। बड़ा बिजार क्वेश्चन है, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। 23 तारीख को यदि 12 बजे पेपर हुआ है, 1 बजे पेपर किताब उठा ले लीजिए, मैटर इज ओवर, होगा जो होगा। सफल एडवोकेट बन जाओगे, APO बन जाओगे, RJS बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओगे। अरे बड़े बड़े चैलेंजेज आपका इंतजार कर रहे हैं, तो डर किस चीज़ का है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान ज्ञान तो लेना पड़ेगा, कहीं भी इतिहास रचना है ज्ञान तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो कलेक्टिव में चालान भी वकील छुड़ाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी वकील ही करते हैं, वो भी लोअर LLB ग्रेजुएट है, वो भी LLB ग्रेजुएट है, फर्क है डिटर्मिनेशन का, फर्क है डेडिकेशन का, यही फर्क है। लो ग्रेजुएट तो वो भी है, लो ग्रेजुएट वो भी है, ज्ञान इकट्ठा करो ना। 23 तारीख को 12 बजे एग्जाम हुआ, 1 बजे किताब उठाई, खत्म क्या होगा जो देखा जाए। आपका जो डेली वर्क है ना, 3 चीज़ याद रखना जिंदगी का, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दो, पहली बात कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दो, खुद का कंपटीशन खुद से करो, और कल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए तो अपने आप को पनिश करो कि आज व्हाट्सएप नहीं देखना है, आज फेसबुक नहीं देखनी है, 1 महीने तक पनीर की सब्जी नहीं खानी, कुछ भी एक्सपायर जो आपको ज़्यादा प्रिय है, पनिशमेंट दो आप, अपने आप आपके अंदर चेंज आएगा, 100 रुपये का नजगा या गाय मिडिली डालूंगा, चेंज आएगा आप में। ये 3 रूल फॉलो कर दो, जिंदगी के सक्सेस में। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ये थी मोटिवेशन की बातें, ऐसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैसे लिखा, बहुत ईजी है। जो जिंदगी में हमारे पास घटित होता है वो ऐसे है, आपके कंटेंट बहुत पावरफुल हो, आपकी वॉकअप बहुत पावरफुल हो, आपकी ग्रामर बहुत पावरफुल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस। आज मैं आपको कहूँ दया मृत्यु पर ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में छोड़ो, लो लिख के बताओ, दया मृत्यु पर आप, बर्सी के लिख पर आप, यूथानेशिया पर, कोई भी ऐसे लिख के बता दो हिंदी में, हिंदी में लिख रहा हूँ, नॉट इन इंग्लिश, लिख के बता दो, कंटेंट ही नहीं, क्या साइटेशन है, क्यों क्यों दया मृत्यु का डिजर्व किया जाता है, आर्टिकल 21 इसका कहाँ विरोध करता है आपके पास लॉजिक, यू आर लो एस्पिरेंट, आपका कर्म है नॉलेज को बढ़ाना, अंजाम क्या होगा वो तो बाद की बात है, वॉकअप नहीं है। चलो दया मृत्यु पर कोई साइटेशन दोगी, कहाँ सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है और किस केस में रहा है, आप तो लो ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, कर लिया आपने तो ये तो आपकी ड्यूटी बनती कि नॉलेज को आप जगह जगह से निकाल कर लाए। क्या है रूणा शर्मा का केस, क्या था उसमें एक्टिव यूथानेशिया, क्या था पैसिव यूथानेशिया, आर्टिकल 21 इसको क्यों परेशान करता है, क्या इसका रुख रहा है, और यूथानेशिया की रिक्वायरमेंट का बड़ी 3 रिट खारिज कर दी गई, क्यों जरूरत पड़ी। मैं पहली लाइन बोलता हूँ कि जो लोग घुट घुट के मरते हैं, जो लोग तिल तिल करके मरते हैं, वो यूथानेशिया के अधिकारी हैं, लोग ट्रांसलेशन कर दो इसको, अटक गई गाड़ी, कि तिल तिल करके मरना, घुट घुट करके मरना किसको कहते हैं, अरे सिंपल से डाई बाई इंचेस, इंच को याद कर लो, इंच 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 करके मर रहा है बंदा, कैंसर पेशेंट है, डाई बाई इंचेस, या बट ट्यूमर हो गया, डाई बाई इंचेस, और कोई ऐसा रोग हो गया जो इनक्योरेबल है, डाई बाई इंचेस, इंच को तो बुलाना और करना क्या, आपके चारों तरफ वो क्या फैली हुई है, उसको बस इकट्ठा करना है। किताबों से डेट नॉलेज देते हो आप, डेट नॉलेज दी आपने किताबों से, वो जाकर आप एग्जाम को देने की कोशिश करते हो, आप लेके डेट जा रहे हो तो वहाँ लाइव और जिंदा नॉलेज किसको दोगे आप। क्रिएशन, दिमाग क्रिएशन बोर्ड पे आप एक एडिटर हो तो दिल लिखो किसी भी चीज़ पर, कुत्ता मिल गया तो वॉकैप, गाय है वॉकैप, इधर वॉकैप, उधर वॉकैप, वॉकैप भी वॉकैप है, हर चीज़ में वॉकैप है। यहाँ पर इसका सिस्टम है, क्रैमिंग सिस्टम, ऐसे कौन सा आएगा, इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी पर ऐसे आता, लिख लो आप, लिख लो, मैं आज ऐसे के टॉपिक बताता हूँ, लिख के बता देना इस बार कौन सा, मैं चैलेंज ले रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी पर ऐसे, क्रिप्टो करेंसी पर लोगों को 2 लाइनों का पता नहीं, क्रिप्टो करेंसी के लास्ट ईयर आरजेस का ऐसे था, तो जब आपको कंटेंट ही नहीं पता तो वो सेकंड बात तो काम पूरा करो। यहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है संभावनाओं पर, 2 तरीके की तैयारी होती है, आंख वाली तैयारी, एक होती है ब्लाइंड प्रिपरेशन, तो यहाँ पर एस्पिरेंट ब्लाइंड प्रिपरेशन करने में बिलीव करता है, क्योंकि उसका मेंटोरियस है, उसका भी दोष नहीं है, उसका मेंटोरियस है, ये 4 ऐसे आएंगे रट लेना, रट के बता दो, लोगों बता रहा हूँ कौन से ऐसे आएंगे इस बार, गारंटेड है कैसे भी बाहर चला जाएगा, नहीं क्रैपिंग हो ही नहीं सकती ना, आपका फोबिया ही खत्म नहीं हुआ, आपके कंटेंट ही क्लियर नहीं है। नॉलेज ये कहती है दिल से समझते हो मुझे स्वीकार करो, सफलता मैं दे दूँगी,
जब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो रटकर, तो वो आपकी बेइज्जती नहीं करेगी, 100% करेगी। आप उसे वेलकम दो, बात पर बैठा उसे समझो आप, वो आपको, और जब आपने समझ के कोई चीज दी है, जिंदगी भर आपके काम आएगी, लाइफ भर आपके काम आएगी, एज ए लॉयर, एज ए जज, एज ए पी ओ, एज ए कहीं भी, मतलब एक लोकल एजेंट, यदि कोई भी बात क्रैबी कर रहे हो आप, क्रैबी का क्या लेना देना है, चार ऐसे आएंगे बताओ सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आएंगे, सिर्फ अजम्पशन कि मैं पास हो जाऊंगा। और एक चीज और बता दूं, सफलता एग्जामिनेशन से बाहर तय होती है, ये चीज याद रखना, सक्सेस हमेशा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ही तय हो जाती है, अंदर तो सिर्फ प्रोसीजर चलता है, एक पेपर आएगा उसमें आप लिखेंगे, उसको कोई चेक करेगा, फिर एक नंबर आएगा, फिर वो दैट इज प्रोसेस, नॉट सिलेक्शन, नॉट सक्सेस। सक्सेस तो बाहर ही तय हो जाती है, देखा करो जिन लोगों की सक्सेस तय होती थी चेहरे पर कॉन्फिडेंस, देखा करो क्या रूप से लगता है, भाई प्रताप सिंह के चेहरे पर था वो चीज़, क्योंकि बंदे ने 500 आर्टिकल पर लिख डाला था, तारे की कर दिया, कॉपी करते गया, करता गया, करता गया, कॉन्फिडेंस था बंदे को, सक्सेस का एहसास तो पहले ही हो जाता है, दैट इज प्रोसीजर। बाहर आके तो नाटक करता है सर पेपर टफ था, इस बार ये हो गया, क्यों टफ था, उसी किताबों में से आए लोगों ने इसी पेपर में 90 अटेम्प्ट किए, तो दूसरे दिन 60 कैसे अटेम्प्ट किया, यानी प्रिपरेशन। ये वर्ड बोलना कि पेपर टफ था, मुझे बहुत खराब लगता है, मुझे बहुत खराब लगता है कि पेपर टफ था, क्यों भाई, किताब को कोट के भेजा, पेपर कहाँ से टफ हो गया, लोगों के 80 नंबर दिया है, 90 नंबर दिया है, भारतीय संविधान बना करता है कि 100 में 100 ले जाओगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोई बना नहीं करता है, लेकिन पहले से ही सरेंडर कि आ ही नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि प्रिपरेशन उस लेवल की होती ही नहीं, सिंपल सी कहानी, उस लेवल की प्रिपरेशन कर जाओ, अपने गुरु एक साथ ही होता है, उसको पूरा का पूरा फॉलो कर जाओ, डेड सर्टेन गारंटी की बात है कि दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मकसद पाने से रोक दे, मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ, गारंटी लेने को, मैंने सक्सेस देखी लाइफ में, सिर्फ सक्सेस वो भी ऑफिसर रैंक में, सिर्फ सक्सेस वो भी ऑफिसर रैंक में, लेकिन डेडिकेटेड लोगों ने, इन्होंने जिन सर का उदाहरण दिया रघु जी का, मतलब एक नंबर वन डेडिकेटेड पर्सन ऑफ माई यू कैन से टीचिंग प्रोफेशन, डेडिकेटेड इसको बोलते हैं, जो बैच चल रहा है उसी में बैठ गए, उससे पूछ लिया, ये पूछ लिया, बना नॉलेज आना चाहिए, किधर से भी आए वो तो इतिहास रखती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आज बहाना, आज धूप है, आज ये आज फलाना, ये समझ भी नहीं आया, क्यों समझ भी नहीं आया, एक बार करो, दो बार करो, मेहनत हमेशा टैलेंट क्रिएट करती है, टैलेंट कभी मेहनत क्रिएट नहीं करता है, आप कब थोड़ा आईक्यू भी कम है और आप मेहनत कर सकते हो, आप उसको बार बार करो। दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है, अमेजन, ठीक है ना, अमेजन का उद्भव पता है कहाँ से होता है, बूंद बूंद से होता है, बूंद बूंद गिरती है तब, सोचो दुनिया कितनी वाइड वो बच जाती है, पत्थर और रस्सी वाला खेल याद करो, पत्थर जितना ठोस होता है उसमें रस्सी गुजरती है, उसमें निशान कर देती है, क्या है, एक सतत प्रयत्न, एक डेडिकेशन, एक रिलेंटलेस एफर्ट, सिंपल सी कहानी। यहाँ पर लोग कट एंड राइट मेथड से सफलता चाहते हैं कि अल्लाह दिन प्रकट होगा सफलता दिलाएगा, 4-5 साल अपने आप की खराब करना चाहते हैं, वाई, डेडिकेशन नहीं होता, मेथड को फॉलो करने की कैपेसिटी नहीं होती, ज्ञान को फॉलो करने की कैपेसिटी नहीं होती, आप गारंटी है चीज पे आप फॉलो करिए, 100% आप यदि सक्सेस सफलता के शिखर पर ना पहुंच जाए, मैं चले देने को तैयार हूँ, मैं टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने सफलता नहीं, सही कोई कोई कुछ जादू है हमारे पास, लो सफलता देखी है, सर ने सफलता देखी है, बहुत वाइड रेंज में सफलता देखी, सफलता की कहानियां देखी हमने, इसे को पता है सफलता किस इतिहास में किस मोड में चलती है, लेकिन फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। चमत्कार, यहाँ पर स्मार्ट स्टडी का वो है कि साहब चमत्कार कर दो, ग्रेविंग सिस्टम है कि कोई चमत्कार होगा और हम सक्सेस हो जाएंगे, चमत्कार ले लो, आपका कर्म है अपनी नॉलेज को बढ़ाना, मैं तो फिर कह रहा हूँ 23 तारीख को 1 बजे किताब हाथ में ले लो, पैरिट किया जाएगी, दी जाएगी, क्यों हेडिंग लेते हो, अगली बार काम आ जाएगी, उससे अगली बार काम आ जाएगी, इतिहास रखता है फर्स्ट अटैम्प्ट इज द लास्ट अटैम्प्ट, बेटर इज ओवर, बस जैसे ये प्रिंट कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट इज द लास्ट अटैम्प्ट, वो इतिहास लिख के जाए, और इतिहास लिखने बॉडी पे चेंज होता है, बॉडी पे चेंज होता है अपने आप, अपने आप इतिहास लिखने वाले लोग अलग ही होते हैं, जैसे इतिहास लिखा है उनको देख लो आप, एक क्या दो क्या, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, एलन मस्क, जिसने किताबों से पढ़ के रॉकेट साइंस बना के बाकी गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया, किताबों से रॉकेट साइंस पढ़ ली उस आदमी ने, क्या इंसान है, क्या ब्रेन इंसान है, सोचो, लेकिन छोटी से छोटी बात को कंसिडर करता है, वो छोटी से छोटी बात रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आप और मैं तो नहीं बन पाए क्योंकि नहीं है एलन मस्क जैसा हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, क्या रॉकेट साइंस जैसा पढ़ डाला किताबों से, तो आपको तो गुरु है मेंटर है, फिर आपको पढ़ने में क्या जोर आ रहा है। मैं अपने भाषण को यही समापन करता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी ऐसे के संबंध में किसी का भी,
अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपके कंटेंट, आपकी वॉकअप और ग्रामर बहुत शानदार होनी चाहिए। हर ऐसे पे लिखो, हर टॉपिक पे लिखो, दिन रात लिखते रहो, उसका आरजे से कोई लेना देना नहीं। आपको एक एडिटर के रूप में आना है कि एक एडिटर जो है लिख सकता है किसी भी टॉपिक पर, आप भी लिख सकते हैं, सिंपल सी कहानी, और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आपका लिखना पूरी लाइफ काम आएगा, टिल द योर प्रोफेशन और टिल द लास्ट बीट ऑफ योर लाइफ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। देवांश ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लॉ की मतलब आरजेएस बनने के लिए उसे शुरुआत कब करनी चाहिए, मान लो एलएलबी में करें या कंप्लीट करने के बाद करें। देखो क्या है, बीए एलएलबी में आपने एडमिशन कहीं ले रखा है तो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि उनके बार काउंसिल ने अटेंडेंस का सिस्टम बना रखा है, तो अटेंडेंस की वजह से वो नहीं चाहती कि चाहे पढ़ाए नहीं वो कुछ, वो विभिन्न प्रकार के अन्य कामों में लगाए रखते हैं। काम जैसे कि ये प्रोजेक्ट करो, विभिन्न प्रकार के टॉपिक लिख लिख के प्रोजेक्ट ही दे देंगे, कुछ दे देंगे, कम्प्लीटली टाइम वेस्टिंग मामले हैं। तो स्टूडेंट को नॉलेज तो कुछ होती नहीं है, वो कहीं से नेट से उससे करके वो अपना समय पास कर रहा होता है, टीचर भी कर रहे होते हैं, लेकिन अटेंडेंस के लिए वो ऐसा कर रहे होते हैं। जब स्टूडेंट आता है 5 साल का लॉ करके या 3 साल का लॉ करने के बाद, तो पूरी तरह ब्लैंक होता है, उसे कुछ नहीं आ रहा होता। अभी जैसे एक बच्चा, वो राकेश, थोड़ी देर पहले ही आया था, तो वो कह रहा था कि मेरे सर 82 करेक्ट आंसर है। उसने ले लिया फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन, यहाँ हिंदी मीडियम ही है, पता नहीं कहाँ से लॉ कर रहा है, लेकिन कहाँ बहुत कहीं हल्की फुल्की जगह से ही कर रहा है वो, लेकिन उसने ले लिया पहले ही, तो उसके अच्छा स्कोर कर लिया उसने। तो ये शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज जिस हिसाब से कॉलेज अपनी डिग्री को कर रहे हैं, मैं उस पर कोई मार्किंग नहीं करना चाहता, मैं भी ये सब चीज़ें पढ़, 5 ईयर लॉ 3 ईयर लॉ हमारे यहाँ भी होती है, तो इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जाना जुडिशरी में है तो फिर जुडिशरी के हिसाब से, जुडिशरी के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी, कि एक सिलेबस दे रखा है हाई कोर्ट ने, उस सिलेबस में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो जितना जल्दी होगा उतना बढ़िया है। कई स्टूडेंट ऐसे हुए जिन्होंने अपने फाइनल ईयर में ही रैंक और टॉपर्स में आ गए वो, तो ऐसा नहीं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, नहीं, उन्होंने शुरुआत पहले कर रखी थी, तो शुरुआत पहले करनी ही होगी। अब जो बच्चे, अब जैसे हमारे यहाँ पर एनएलयू के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एनएलयू अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से लॉ करके आए हुए हैं, और इस समय तो बहुत हैं, तो वहाँ से लॉ करके आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एनएलयू से पढ़ के आया, आते ही वो मजिस्ट्रेट बन जाएगा, आरजेएस क्लियर होगा, ऐसा नहीं होगा उसके से। हाँ, थोड़ा तो औरों से अच्छा बेहतर करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, तो उसे भी टाइम लगेगा, 1.5-2 साल तो उसे भी लगेंगे। तो बेहतर है कि अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं ज़रूर शुरू कर देना चाहिए, ज़्यादा लेट होने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरे यहाँ वो लड़की पढ़ती थी दिव्या, 3 ईयर लॉ किया उसने, पिछले बार इंटरव्यू दिया, पिछले बार 16 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एलएलबी की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन इंटरव्यू कॉल हो गया था, जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई इंटरव्यू कॉल हो गया। इस बार वो मजिस्ट्रेट बनेंगे संभवतया, जब पढ़ रहे हैं प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो, मैं ये नहीं कहता कि वो सारे के सारे बन ही जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं, तो चूंकि वो उस स्ट्रीम में ही पढ़ाई कर रहे थे इसलिए इंटरव्यू कॉल हो गया था, इस बार फिर इंटरव्यू देगी, पिछले बार इंटरव्यू दे के आई थी। तो ये है, तो जल्दी ही शुरू करना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, कभी किसी स्टूडेंट ने नहीं पूछा कि साहब अभी आरजेएस का मेन एग्जामिनेशन हो रहा है, आप सबसे ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हो। अब मैंने उन्हें जवाब दिया कि देखो, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाना आता है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा फीस ले रहे हैं। 5,000 रुपया में आरजेएस मेंस नहीं पढ़ाया जा सकता, 5-10 हज़ार रुपये में पढ़ाने वाले
तो वो एक ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं तो 200-300 बच्चे हो जाएंगे, तो 200-300 × 5000 कर लेंगे, तो ऐसे करके इकट्ठा कर लेंगे। यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स कभी कभी पढ़ाने में आ जाते हैं, उछल कूद कर पढ़ाना, ये करना है, वो पढ़ाना थोड़े, उन्हें कंटेंट में कुछ नहीं आता उनका। थोड़ी देर कोई लेक्चर सुनते हैं तो पता लगता है 10 जगह वो गलतियाँ करते हैं, तो 5-10 हज़ार में कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। और गुरु तो अपना अनुभव का ले रहा है, तो यहाँ तो जो फीस है वो पूरी ही फीस रखी है, और केवल 100 ही स्टूडेंट के लिए मैंने बंटी को बोला है, उससे ज़्यादा का एडमिशन करना भी नहीं है RJS मेंस के लिए, और उन्हीं पे अपना पूरा अनुभव, पूरी प्रज्ञा, पूरी मेहनत लगाएंगे। तो उसमें भी हम 3-4 लोग तो पढ़ाने वाले हो गए, लेकिन हमारे पीछे कम से कम 20 लोगों का और स्टाफ है जो उन सब के लिए काम करता है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, इंडिविजुअल उनके ट्यूशन सेंटर्स हैं, उनके लिए तो हम क्या करेंगे। यहाँ तो 20-25 लोगों का ऑलरेडी स्टाफ है, कोई आपके नोट्स को प्रिपेयर कर रहा है, कोई आपके वीडियोस को एडिटिंग कर रहा है, कोई आपको कुछ और काम कर रहा है, तो सारे, और 3-4 लोग तो हम ही पढ़ाते हैं, मैं हूँ, सर हैं और लोग हैं, तो इसलिए वो फीस वो पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी कम फीस में कराया जा सके। 5-10 हज़ार रुपये पढ़ा रहे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हाँ, लेकिन उसका ठीक है, वो ये सोचते हैं कि भाई चलो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं 5 हज़ार में ही तो दे रहा है, चलो लेके देख लेते हैं, पढ़ते नहीं है उसका कुछ भी, लेके देख लेते हैं, कोर्स सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो इस तरह के, तो वो हमारे यहाँ वो सब्सक्रिप्शन का नहीं है, तो इसलिए वो रखा है। नहीं, रटने से नहीं हो सकता, केवल रटने का मतलब नहीं है, पक्का याद करने का ज़रूर मतलब है, लेकिन पक्का याद करने का मतलब है कि आपने बहुत अच्छा समझा हुआ है और चीज़ों को फिर माइंड में तो रखना ही पड़ेगा। रटना वो होता है जिसे आपने कोई समझा भी नहीं और आप क्रैमिंग कर रहे हैं किसी भी सेक्शन की, वो तो 5-7-10 दिन 15 दिन रहेगा और बहुत तेज़ी से आपके माइंड से वॉश आउट हो जाएगा, और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो एक शब्द समझ में नहीं आया तो पूरा सेक्शन समझ में नहीं आएगा, तो उसकी शुरुआत से, तो वो माइंड नहीं रट रहा होता, उसका ऐसा हिस्सा रट रहा होता है कि बस ठीक है, शुरुआत हो गई तो हो गई और नहीं रहेगी तो रहेगी, तो वो केवल रटने से नहीं होता। देखो, मेरा अनुसार ये है कि मेरे से ही एक बार किसी ने पूछा कितनी देर पढ़नी चाहिए, मैंने कहा 24 घंटे। अब प्रश्न आया कि बोले 24 घंटे तो होते नहीं है, हम सोएंगे कब, नहाएंगे कब। मतलब ये है 24 घंटे का कि आपके फुल टाइम यही चलना चाहिए कि हम बस तैयारी ही कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे, तो वो 24 घंटे से मतलब है, जितना मैक्सिमम टाइम है उतना पढ़ना चाहिए। देखो, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ही तो प्रैक्टिकल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक आदमी राम मंदिर देखने चला गया, फिर उसने FIR दर्ज कराई, वही सब बात है कि FIR दर्ज होगी, फिर कॉग्निजेंस, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर मजिस्ट्रेट उससे कॉग्निजेंस लेगा, चार सुनाएगा, यही सब बातें हैं। केस लॉ इम्पोर्टेंट है, केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कहाँ कैसा प्रश्न पूछा है, हर जगह केस नहीं डिसाइड डाला जा सकता, हज़ारों डिसाइड हो गए केसेस ये। और कोई कुछ स्टूडेंट पूछना चाहते हो तो बाकी फिर हम आज के लेक्चर को यहीं ब्रेक समापन करेंगे। कोई आप पूछना चाह रहे हैं कुछ, और भी कोई स्टूडेंट? नहीं? हाँ बेटा, आपने भी दिया अभी एग्जाम दिया था ना?
हाँ, तो क्या कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, यहीं से दो माइक दे दो। हाँ सर, हमें बैरेट किस तरह से पढ़ना चाहिए कि उसको हम क्या करें कि जैसे क्रैम नहीं करना पड़े, उसको एक लूसिड एफिशिएंट वे में हमारे को लर्न और मेमोराइज भी हो, क्या अप्रोच होना चाहिए, हाउ टू रीड बैरेट? देखो, बैरेट ऐसे पढ़ने की चीज़ नहीं है कि आपने रामायण की तरह एक रीडिंग लगा ली। बैरेट को जब भी पढ़ो तो बैरेट के संबंध में ये साफ है कि 3 बार पढ़ो, एक ही बार गिनो। मतलब जब भी आप कुछ बैरेट में कोई सेक्शन पढ़ रहे हो तो उसे हमेशा ही 3 बार पढ़ना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अभी यदि किसी बैरेट को लेके बैठ जाओ, सुबह से बैठो शाम तक ख़त्म हो जाएगा। बहुत सोच समझ के पढ़ना होता है। और आप देखो, कई कई बार तो बड़े सेक्शन होते हैं तो पूरे 2-2 घंटे में एक एक सेक्शन हम यहाँ एक्सप्लेन कर पाते। तो बैरेट इस तरह एक बार समझना ज़रूरी है, यदि समझा नहीं है तो वो याद भी नहीं होगा। और बैरेट सीधे ऐसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें से अपना कंटेंट निकालो, अच्छे से समझो और फिर उसे तैयार करो, उसे पक्का याद करो। ये और कोई प्रश्न किसी का? तो इस प्रकार से मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। और हमारी एक शानदार रणनीति है जिसके आधार पर हमने तय किया हुआ है कि 50 222 में से 50 50 से 60 जुडिशरी में सिलेक्शन इस बार हम जरूर देंगे। और उसके लिए हमारी प्लानिंग है कि हम 100 स्टूडेंट्स को किस तरह करें, और अच्छे स्टूडेंट जो इस तरह करना चाहते हैं उन्हें एक तरह से हमारे अनुसार ही उन्हें टाइम टेबल तय करना है, हमारे अनुसार ही उन्हें पढ़ना है, सब कुछ हमारे अनुसार करना है। और कितना समय मिलता है ये डिपेंड करेगा, 2 महीने मिल सकते हैं, 2.5 महीने मिल सकते हैं, 3 महीने मिल सकते हैं। तो हमने तो आज से ये एक तरह से प्रारंभ कर दिया है बैच, ठीक है ना? इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।